बड़ा पुजारी थी, बहु जान से ज्यादा, तो कैसे कैसे क्या हमारी होती हाँ है? कुछ भी हो जाता था तो चलो भाई उनको, यानी आप झाड़ फूक का काम करते थे? हाँ, पहले तो झाड़ फूक का काम करते थे और दूसरा में बजरंग बली को बनाए, दूर जाते थे पूजा करने के लिए मंगर के, मतलब क्या कुछ जमीन ने बनवाए मंदिर, और मंदिर बनवा के हम भी तुलसी के गा रहे थे, हनुमान जी के गा रहे थे, तो हमारा अंतर हो जाए, वो सुने ना हमारा अंतर हो जाए, तो हम कह ली कि सही तो ना ठीक लगा है, लेकिन मास्टर साहब गवाह थे कि ऐसे बढ़िया लगता है, फिर लिया हम तो सच्चा के खोज में है ये थे, मतलब सच्चाई खोज रहे थे आप? हाँ, तो पहले जो करते थे उसमें सच्चाई नहीं थी ना, कुछ ना कहियो ना, न तन में वस्त्र, न पेट में अन्न, न घर में धन, हम तो रास्ते थे कि सबके कोठी में चावल गेहूं सब रहता है, लेकिन हमारा ही एक कनवा ना रहा, कुछ रोजी ना, तो वो जैसी करती थी ना तो सब कुछ दे ही रहा था ना लोग, सब कुछ देता था, तो जानते हैं कि वो भाई और बहनों आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा वहाँ पर एक आंटी है जो बहुत बड़ी पुजारन है, वो अपनी ज़मीन में मंदिर भी बनाई और झाड़ फूक का भी काम करती है, बहुत सारे लोग आते हैं उनके पास, तो आइए हम उनके मुंह से गवाही सुनते हैं कि कैसा उनके जीवन परमेश्वर यीशु मसीह ने बदला और उनके जीवन में प्रभु को ग्रहण किया, तो आइए हम पूरे वीडियो को देखते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर पहली बार अगर कोई हमारे इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए इसी प्रकार मसीही गवाही, मसीही न्यूज़ और मसीही बातों को लेकर आता हूं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि यूट्यूब, जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा प्रमोट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा भाई और बहनों के पास पहुँचने पाए इस प्रकार का वीडियो। तो आइए फ्रेंड्स, हम पूरा वीडियो को देखते हैं। बांध देता है बोझा वोझा के, घर का भी नहीं होता है सोझा, ऐसा होता था। तो आप बुरे की कमाते भी थे 40-40 किलो मछली काट के, तैयो रोजी ना, तैयो चल जा, कुछ डॉक्टर ही चल जाता था, कुछ अथी छठ करते थे, कुछ पूजा अथी गद्दी घर करते थे, मतलब सबके पैसा बांट देते थे, कमाते थे तब। तो आप उस दिन से जो कि पूरा आपका जीवन बदल गया, एकदम जीवन बदला, जो पहले पूजा पाठ थोड़ा मोड़ा नहीं बदला, एकदम हृदय से अपना लहू से परमेश्वर हमको धो दिया। पार्वती देवी जी, तो आप प्रभु को नहीं जानते थे, सही है? हाँ, सही है। आप एक बहुत बड़ा पुजारी थे, बहु जान से ज्यादा। तो कैसे कैसे क्या होता था? कैसे कैसे का, हम बहुत झूठ सच बोल करके डालिया तोड़ते थे, पूजा करते थे, मुर्गा लेते थे। कैसे मुर्गा लेते थे? वही डलिया तोड़ते थे तो बोलते थे कि ठीक हो जाएगा तब मुर्गा लेंगे, ठीक ना? मतलब लोग आपके पास आते थे दिखाने के लिए? हाँ, दिखाने के लिए। कुछ भी मतलब बीमारी हो? हाँ, कुछ भी हो जाता था तो चलो भाई उनको, यानी आप झाड़ फूक का काम करते? हाँ, पहले तो झाड़ फूक का काम करते थे और दूसरा में बजरंग बली को बनाए, दूर जाते थे पूजा करने के लिए मंगर के, मतलब क्या मतलब अपने जमीन में, मतलब हाँ अपने जमीन ने बनवाए मंदिर, और मंदिर बनवा के और सब मिस्त्री बुलवा करके सीमेंट के बनवाए मंदिर, और मूर्ति भी बनवाए, तो मूर्ति बनेला के बाद में पूजा पाठ हम करने लगे तो सब महल्ला के करने लगा, तो सब महल्ला के करने लगा तो सही रहा कि भाई चलो मिलजुल के सब कोई करता है ना। तो इसी बीच में एक यहाँ पर मास्टर रहता था, उनका नाम गिरानी साव था, तो वो अपना रूम में रहता था, उनका रूम में जित था पहले, अब तो बेच दिए हैं, नहीं रहते हैं। तो हम भक्तिन थे तो हम भक्ताई वाला भी गीत गाते थे और हनुमान वाला गीत गाते थे, देवी दुर्गा सब का गीत गाते थे, लेकिन वो जो प्रार्थना करते थे यहाँ पर ही कौन वही जो गिरानी मास्टर कर रहे हैं, जिनके द्वारा हम बीज को हम मेरे अंदर डाला, प्रभु का, हाँ प्रभु का बीज बोया, तो उनका उनकर गीतिया बहुत सुंदर सुनने में लगा। और जब क्या सुंदर लगा? सुंदर लगा गीत गा रहा था कि जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए, हम भी तुलसी के गा रहे थे, हनुमान जी के गा रहे थे, तो हमारा अंतर हो जाए, वो सुने ना हमारा अंतर हो जाए, तो हम कह ली कि सही तो ना ठीक लगा है, लेकिन
मास्टर साहब गवा थे कि से बढ़िया लगता है। हम कहे कि से थे आए मास्टर साहब से कौन पूजा कर रहा हूँ उसे बड़ा बढ़िया लगा हवा थी अब आ वो बंद कर दिए मनो हम गए ना तो डिस्टर्ब हो गया था रोक दिया पूरा आंसू उंसू के साथ कर रहे थे तो हम कहे कि हमने गीत गवाही तो हमने के आंसू ना चले सही इतना आंसू चला है इनका घुटना में 3 बजे से उठ के आराधना स्तुति करते रहते हैं। तो हमको कहा कि चाची से आप बहुत पूजा करने वाली है से जरा एक बार यीशु मसीह के चख लीजिए। हम कहे यीशु का हुआ है मास्टर साहब से कहे लिए तो ना चलो दिखावेला जे से हम तो जिंदा परमेश्वर के खोज में लगले रहे ही से तो कहें कि से कम एक दिन चलिए हमको कहा कि चाची एक दिन चलिए कम से कम। तो हम कहली कि इतना हम मछली बेचाई 5 दिन के मीटिंग रहता है वनसुन डेहरी में तो हम कैसे जा सकते हैं से हम तो गांकी सब छूट जाएगा ये। तो कहें कि से नहीं छूटेगा से आप चलिए से उतना आशीष मिल जाएगा। हम कि इतना शक्ति है मनो 26 साल से छूटा है हमको 1998 में हम परमेश्वर को जाने हैं। हाँ तो वो घड़ी से समझिए कि हम विश्वास में रहे पीछे मुड़ के कभी न देखे कुछ ना। फिर वहाँ पे जब आप मीटिंग हुई हाँ तो मीटिंग में उनको बोले प्रार्थना में कि आए माता साहब तो हम जाएंगे तो वहाँ कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे का कंग कर जाता है वहाँ तो कुछ करके बांध लिया झोला में रख लिया। एक मन करे जाऊं एक मन करे ना जाऊं और डेट देख के माता साहब ट्यूशन चल गया। जब स्टेशन चल गए तो मेरा मन अभी तिर लिया हम तो सच्चा के खोज में है ये थे सच्चाई खोज रहे थे। हाँ तो पहले जो करते तो उसमें सच्चाई नहीं थी ना कुछ ना कहियो ना न तन में वस्त्र न पेट में अन्न न घर में धन हम तरसते थे कि सबके कोठी में चावल गेहूं सब रहता है लेकिन हमारा ही एक कनवा ना रहा कुछ रोजी ना। तो वो जैती करती थे ना तो सब कुछ दे ही रहा था ना लोग सब कुछ देता था तो जानते हैं कि ओझा बांध देता है बोझा ओझा के घर कभी ना होता है सोझा ऐसा होता था। तो आप बूढ़े की कमाते भी थे 40-40 किलो मछली काट के तैयो रोजी ना तैयो चल जा कुछ डॉक्टर ही चल जाता था कुछ अथी छठ करते थे कुछ पूजा अथी गद्दी घर करते थे मतलब सबके पैसा बांट देते थे कमाते थे तब बचता नहीं था नहीं जैसे की तैसी रह जाते थे। अच्छा इधर से आता था इधर खत्म हो जाता था और तैयो लोभे रहता था कि आप कितना मछली बेचेंगे तो हम आमदनी रहा हम मछली बेचते थे तो शेर के 3 पौवा तोड़ते थे इतना हम चोर थे इतना मतलब उसमें घोटाला होता हाँ बढ़िया बढ़िया आदमी के आओ जो 10 रुपया कम देगा ना उसको आओ कहते थे कि लीजिए ना सर से 5 रुपया कम ही दीजिएगा लेकिन उसको कितना कम दे रहे हैं 700 ग्राम मछली दे रहे हैं 1 किलो के लेकिन 300 ग्राम हम मार रहे हैं उसमें भी ठीक। तो इसको करते तब भी न पैसा पैसा के तो सब बटा जाता था कत्की छठ करते थे चैती छठ करते थे एतवार करते थे गद्दी घर करते थे बाबा धाम जाते थे कितना बतावे। उस समय आपको ये नहीं लगता था कि हम गलत कर रहे हैं नहीं कुछ अंधकार में है ये थे तो ज्योतिष कोई देने वाला रहेगा तब ना 1 मिनट सुने हैं हम हमारे अंदर परमेश्वर का तारा चमक गया 1 मिनट। फिर आप गए वहाँ पे तो क्या हुआ चर्च में चर्च में कहाँ गए हुआ गए ऑन सुंडेरी डायरेक्ट जब हुआ गए तो हमारे बेटा एक नानी घर ने पढ़ता था वो जो पास्टर है वो आल था वहाँ तब वहाँ थी हालेलुया जब होने का समय हुआ तो हम बड़ी बीड़ी पीते थे सब नाशा करते थे जितना भूत था देवता उतना नाशा आओ का जब उतना नासा था हमारे जीवन में ऐसा चेहरा कहाँ से मारे तू हाँ बेकार ही तो प्रभु के दया से समझिए कि 85 उम्र हो रहा है तैयो परमेश्वर अच्छा रख ले है 85 उम्र हो गया हाँ जी
फिर क्या हुआ रे? तो आगे हुआ गए तो हुआ 6 बजे से शुरू होता था। तो एक सहेली आओ मिला हमको साथ में बीड़ी पिए वाला, तो हम कल गए दीदी से हिया का तो बीड़िया पिए में रोक है से रही हम ना मिले, तो चला ना हमने चोरा के उन्हें पी ले भी ना, तो कहे की चल से हाँ सुना ली है तो कि ना 250 बीड़ी लेके गए थे, तो 250 लेके गए थे 5 माचिस कि भाई 5 दिन रह जाएंगे, ऐसे करके गए। तो समा हुआ तो हम लोग चल गए बीड़िया पिए उधर, ठीक ना। पहला दिन कुछ तो जानते ना है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कैसा है, यहाँ आए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं जान रहे थे। लेकिन परमेश्वर लगे हम लाते रहते थे कि कहाँ मिलेगा जिंदा। तो प्रभु उसी समय में हम दोनों बैठे बीड़ी पिए लगी, तो वो कहन किसे हम हूँ पहली बार आए हैं दीदी, हम कहे हम हूँ पहले बार आए हैं दीदी से, हम देखे आए हैं से, कहा तो बड़ी शक्ति है यीशु मसीह में। तो ऐसे बोले से दोनों गोटी बीड़िया धराए, उसको भी एगो दिए एगो हम भी धराए। तो वो तो मनो पिए लगे, हम जब पीने के लिए मुंह में लगाए हैं और एक फूक धराए एक फूक पिए, तो जब हमारा गला में धुआं गया तो हमको उधर से बोमी होना शुरू हो गया उल्टी। हम कहे दीदी इसे लगा है कि यीशु मसीह में है शक्ति से, हम भेड़िया ना पीबो से हम छोड़ देंगे से तू छोड़ दा से, हमरा तो उल्टी होवे लगलो से हम ना पीबो बिक देबो। किसे हाँ हमारा कुछ ना बुझाई था वा उकरा अंदर उतना गुने नहीं था, बुझाएगा कहाँ से, हम खोज में थे जी। तो वो कहे किसे ना से हम ना छोड़बो से, कहे ना बिगवा से हमरा दे दा। तो हम कहीं देखा हम जब छोड़ दे उल्टी हो रहा है तो तोरा कैसे दे दो, हम तोड़ के सब फेंक दो सब तोड़ के बीड़ी माचिस वो जब छोड़ दिए और आके अब कुली कलाली करके और जब 6 बजे से शुरू हुआ हालेलुया, तो हालेलुया शुरू हुआ था। हम कहे कि पीछे से कौन चीज देखेंगे, हमारे लिखबो था वो पास्टर, तो कहा किसे हम कहे चल बच्चा से आगाड़ी बच्चन के साथ में तू बैठो, हम आगे सीटों पर बैठेंगे। अब जब हुआ गाए हुआ से हालेलुया होना शुरू हो गया और हमको तो बीड़ी से उल्टी हो ही गया, तो हम जब बैठे तो हम कहे कि कतो यीशु मसीह ने बड़ी सामर्थ है, यीशु मसीह से हमको जरूर अपना अथी को प्रगट कीजिए महिमा को, हम जिंदा परमेश्वर के खोज में थे। अब इतना कहना हमारे ऊपर आग जलने लगाई दोनों हाथों पास, अब पानी बरसे लगाई सब आंसू से सब भींज गया सब, और वहां से डायरेक्टर देख रहा है अरे माता जी पर आग बरस रहा है, आग बरस रहा है, पवित्र आत्मा उतरा है, पवित्र आत्मा जाओ शांति करो शांति करो। सब लोग देख रेख करे वाला रहता है लेडीज लोग, सब आके घेर लिया हमको, घेरला के बाद में प्रार्थना किया मैं शांति हुआ। और सब याद है कि हमको हाथ पर आग जल रहा है लेकिन हाथवा नहीं जल रहा है, और ऐसे जैसे स्टोव पर जलता है ना वैसा ही धप 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 हो रहा है, हम उड़ रहे हैं सही एकदम अच्छी जगह। पहली बार पहला सेशन में डायरेक्टर साहब भेजा शांति हुए, और जो ले गया था मास्टर से भी बैठल था हुआ, तो वो भी देखा कि चाची के तो पवित्र आत्मा उतर गया है, उनको जैसा मांग था वैसा मिल गया ऐसे करके। तो जब सेशन खत्म हुआ चाय पानी के छुट्टी हुआ तो मास्टर आया मिलने, कहे चाची कैसा लगा, हम कही हमरा तो बारिश हमरा ऊपर हो चलो आग लहरे चलो, तो वो तो आप आत्मा पा लिए, हाँ हम कही कौची के पवित्र आत्मा का ऐसे हमरा दिया दीजिएगा, तुरंत हम अंगीकार कर लिए बस पहला सेशन में। तो अच्छा दम जान गेलू खुश हो गेलू, हम कही हाँ खुश हो गेलू जिंदा परमेश्वर हमरा मिल गेलो ऐसे करके बस। वही कल हो करके 5 दिन हुआ मीटिंग हुआ लो पहले, अब 3 दिन हुआ है। तो कल हो करके हम कहे हमको लिखा दीजिए नाम से हम ले लेंगे बतीसमा, अब ना कोई घर के जान को ना कुछ बोले एक बार साथ गिल रहे। तो ओकरो पूछा लिए कि कैसा लगा बेटा ठीक लगता है, तो हाँ बहुत अच्छा लगता है, पहले पहले सबके टोपी भी दिल को बचपन के और हमानी के दिल को लेकर वो बचन खाली
कि जड़ लगाओ और फल लाओ, यही वचन था। तब वही हम बपतिस्मा ले लिए और फिर जा करके नदी, पहले बार बपतिस्मा ले लिए। हाँ जी, एक मिनट के विश्वास कही थी, तब बड़े दिन समझौता ना। आज जब पवित्र आत्मा आया तो अन्य भाषा हम बोलने लगे तो सब अति करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि अन्य भाषा बोल रहा है माता जी को, वो अति करो, शांति करो, शांति करो, शांति हो गए। शांति होने के बाद में अब हमारा तो कहियो कहीं ना वहली यीशु मसीह। तो जब एक मिनट ने विश्वास किए तो यीशु मसीह एकदम राज करने लगा हमारे अंदर। तो हम मांगना शुरू कर दिए कि प्रभु कुछ न जानते हैं, हमको गायिका बनाइए, बजवैया बनाइए, तेरा वचन को हम सुनाएंगे। ऐसे करके मनो हम बोलने लगे, अपने अपने आओ का मन में ऐसा ही आवे लगा। गाना सीख गए गाना? हाँ, एकदम पहला दिन में। कौन सा ये उसको? ठीक, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पावे। तो आप उस दिन से जो कि पूरा आपका जीवन बदल गया, एकदम जीवन बदला। जो पहले पूजा पाठ थोड़ा मोड़ा नहीं बदला, एकदम हृदय से अपना लहू से परमेश्वर को धो दिया। फिर उसके बाद यीशु मसीह के छोड़ करके अब कोई धंधा न कर वो, बिल्कुल आपका जीवन बदल गया, आपका परिवार का पूरा जीवन एकदम। तो आज प्रभु यीशु मसीह को पीछे चल रहे हैं। हाँ, पीछे चल रहे हैं। कभी ना मुड़ गया आपको? 98 में थी, 1998 में लिए हैं बपतिस्मा। हाँ, पहला ही मीटिंग में जाकर ले, पहला ही सेशन में नाम लिखवा दिए। बहुत अच्छा। सकते हैं कि इस प्रकार से चाची बता रहे हैं कि पहली बार ही गए और ये जो है कि प्रभु को ढूंढते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, जब गुजरी और जो है कि प्रभु को ढूंढ रहे थे, कहीं प्रभु नहीं मिला। लेकिन जब प्रभु के जब दरबार में गई और वहां पे जाने के बाद जब वचन को सुनिया, जब परमेश्वर का आत्मा जब इनके ऊपर उतरा, मेरे प्रियो में बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट दिन में ही जो है कि इनका जीवन बदल गया और ये जो है कि प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर लिया। और आज उस समय से प्रभु के पीछे चल रही है और इनका कहना कि अब किसी के पीछे नहीं, सच्चा खुदा प्रभु यीशु मसीह ही है। और मेरे प्रियो, आज आप लोग इनके मुंह से सुने कि कैसे चोरी करती थी, लोग को जो कि सामान देती थी, बराबर नहीं देती थी, लेकिन आज जो है इनका बिल्कुल जीवन बदल गया और आज जो कि बिल्कुल सच्चाई पे चल रहे हैं। और जो पहले का जीवन था आज वैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। और आज जो है कि अच्छे तरीके से अपने घर परिवार में रह रही है और इनका पूरा परिवार आज प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है और बहुत ही अच्छे से अब इनका जीवन चल रहा है। मेरे प्रिय, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग जरूर अपना राय जो है कि इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी का धार्मिक जो कि ठेस पहुंचाना नहीं, लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके जीवन की सच्चाई क्या है, यही हमारा उद्देश्य दिखाना इस वीडियो। मेरे प्रियो, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग जरूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सत्य मार्ग और जीवन, जो मेरे साथ हो लेता है वो कभी नष्ट नहीं होता है लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करता है। तो इस आंटी जी भी सत्य को जान चुका है और सत्य को जानने के बाद प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और अपने जीवन में एकमात्र उद्धारकर्ता के हिसाब से ग्रहण किया है। सिर्फ वही नहीं, उनके पूरा परिवार भी ग्रहण किया है दोस्तों। तो आंटी के जीवन की गवाही हम सुने हैं, हम कैसे प्रभावित हुए इस आंटी के गवाही सुनकर, जो इतने बड़ी पुजारण थी लेकिन वो जब सत्य को जानी, वो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिया और वो आज के दिन में गवाही देते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। आपके जीवन में और हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत ज़्यादा काम करने पाए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की।